मम्मी कहती हैं कि ना शहरी में दही खाने और लस्सी पीने से ना प्यास नहीं लगती। मैंने 4 ग्लास लस्सी पिए और मेरी प्यास से जान जा रही है। आज रमज़ान का तीसरा रोज़ा, थोड़ा सा लेट, लेकिन आपको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। बहुत ही तपती हुई गर्मी है और तपती हुई गर्मी में मैंने ब्लैक शर्ट पहन ली है। ये मेरी फेवरेट शर्ट है, व्लॉग में आपको 4 बार देख चुके हैं। खैर, बात कुछ ऐसी है कि आज है जुमा, आज है फ्राइडे, पहला जुमा है रमज़ान का। तो सब कुछ छोड़ते हैं, ये व्लॉग अभी शुरू करने से पहले, इस व्लॉग का आगाज़ करने से पहले हम जाएंगे नमाज़ पढ़ के आएंगे। मैं ज़रा अंदर से जाके बाहर आता हूँ ताकि व्लॉग में थोड़ा अच्छा लगे। जुम्मे का दिन है, सुरखा पढ़ना मत भूलिए। ये मोहम्मद भाई ने आपको बात बता दी है, तो अभी हम जुमा पढ़ेंगे, आप लोग सूरह कहफ पढ़ें क्योंकि आपकी तरफ जुमा ऑलरेडी हो चुका है। अच्छा, जुमे के बाद मैं एक ज़रूरी बात भी करूँगा, तो उसके लिए भी रुकना। एक सच बात बताऊँ, ये जो अंदर बाहर वाले सीक्वेंस आपने अभी देखे हैं ना, ये मैंने एक साथ शूट किए। नमाज में घंटा पहले पढ़ के आ चुका हूँ। मैंने कहा रोज़ा है, रोज़े के साथ झूठ बोलना नहीं चाहिए। यू नो, जितने भी आज तक मैंने रमज़ान देखे हैं ना, रमज़ान का आज तक कोई भी ऐसा जुमा नहीं रहा जिसमें ना तपती हुई गर्मी ना हो। और आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई एम एक्चुअली थैंकफुल फॉर दिस तपती हुई गर्मी, क्योंकि जितनी गर्मी होगी उतना रोज़ा लगेगा, और जितना रोज़ा लगेगा उतना सवाब मिलेगा। आज से जो मेरी पिछली वीडियो थी, जैसे मैंने शाम इधरी से डकी भाई वाले मामले पर थोड़ी सी बहस की थी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पाकिस्तानी यूट्यूब की जो ऑडियंस है थोड़ी सी मैच्योर होगी, पर ये मेरी सबसे गलत अजम्पशन थी। हमारी ऑडियंस है मीसनी किस्म की, हमें चाहिए फड्डे, फुप्पो बैठी नहीं है सारी, बैठी यूट्यूब वीडियोज देख रही है, सबको चाहिए डकी भाई लड़े शाम भाई से। खैर, डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, बस मैं इतना बताऊँगा कि वो वीडियो बनाने के बाद मुझे 2 हेट मैसेजेस आए और 3-4 हेट कमेंट्स भी आए। कुछ लोग कह रहे थे कि मैंने शाम इधरी से पैसे लिए ये वीडियो बनाने के, कुछ कह रहे थे क्या। बट यार, जस्ट टू मेक इट क्लियर, मैंने किसी से कोई पैसे नहीं लिए ये वीडियो बनाने के लिए, वो वाली वीडियो बनाने के लिए। आई वाज जस्ट प्रमोटिंग पीस विच वी शुड ऑल डू। खैर, ये सब होगी बात की बातें, अब आते हैं हम असल बात पे। रुको यार, सारी बातें अभी बता दी ना, तुम लोग भाग जाओगे। अफ्तारी का टाइम हो गया, शुक्र है बड़ी मुश्किल से भाई ने ये रोज़ा गुजारा है। जितनी मुश्किल होती है उतना ज़्यादा सवाब मिलता है। सर, मैं अकेले अफ्तारी नहीं कर रहा, उसामा को तो आप जानते हैं, उसामा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। यू आर नॉट माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई ब्रदर। इस सुबह के 6 बज रहे हैं, सहरी किए हुए 2 घंटे हुए हैं। रमज़ान में ना मैं रोज़ सुबह आके इधर बैठता हूँ, और आपने सोचा होगा कि यार मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं ब्लॉग जब भी कर रहा होता हूँ मैं इसी लॉन में बैठा होता हूँ, है ना यार। उसकी मेन वजह ये है कि यहाँ पे लाइटिंग बहुत अच्छी होती है। खैर, आपको याद होगा जब मैंने आज जुमा पढ़ा था तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपसे एक ज़रूरी बात करूँगा। मुझे ना अपने आप पे बड़ा गुस्सा आ रहा है आजकल कि मैं बहुत ही इनकन्सिस्टेंट हूँ यूट्यूब वीडियोज़ बनाने में। मुझे इतना ही गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि यार ये मक्खी तंग कर रही है। अब मैंने सोचा कि यार अब मैंने कुछ करना है इस बारे में, तो मैंने फैसला किया कि ना अब से मैं डेली व्लॉग्स बनाऊँगा। अब ज़रूरी नहीं है कि जो डेली मैं बनाऊँ वो व्लॉग्स ही हों, कभी मैं आपसे बैठ के बात भी कर सकता हूँ, कभी मैं गेम भी कोई खेल सकता हूँ, कभी आपके साथ चुगल भी लगा सकता हूँ, बस कुछ ना कुछ करके रोज़ मैंने एक वीडियो तो फेंकनी ही फेंकनी, और ये मेरा एम है आज से। आज के व्लॉग में यहीं पर एंड कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल के व्लॉग के साथ मिलेंगे। आई नो कि आज के व्लॉग में इतना कुछ मैंने खास किया नहीं, बट थैंक्स फॉर वॉचिंग एनी वे, एंड इफ़ यू लाइक इट यू शुड डू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।